देवास पुलिस ने एक परिवार की महिला के साथ छेड़छाड़, आध्यात्म और शांति के नाम पर पूजा पाठ के बहाने रुपए ऐंठने के आरोप में ढोंगी बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी बाबा का जुलूस निकालकर उसका असली चेहरा लोगों के सामने दिखाया। जानकारी के अनुसार एमआर रोड पर बीमा अस्पताल के आगे सभी बीमारियों और समस्याओं का निदान करने वाले दावा करने वाले ढोंगी बाबा विनोद पटेल उर्फ देवराज गुरु ने अपना ऑफिस खोला और पर्ची बांटकर अपनी दुकान जमाई। दूसरे लोगों की तरह इटावा की रहने वाली एक महिला भी उसके झांसे में आ गई और अपने घर की समस्याएं लेकर बाबा के पास पहुंच गई। बाबा ने उसे बातों में बहलाकर उससे छेड़छाड़ भी की और उसकी समस्याओं को सुलझाने का पूरा भरोसा दिया। कुछ दिन बाद बाबा ने उससे 25,000 रुपए की मांग की। महिला के ये कहने पर कि ना तो आप घर आए ना ही कोई पूजा पाठ की और फिर पैसे किस बात के, तो बाबा ने कहा कि आध्यात्मिक शक्ति से उसकी समस्या हल कर दी जाएगी। उसके बाद वो महिला पैसे के लिए नहीं आई तो बाबा धमकाने लगा और पीछा करने लगा। पति और सास को पूरी बात बताई और इसके बाद सिविल लाइन थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने ढोंगी विनोद पटेल उर्फ देवराज गुरु को ना सिर्फ गिरफ्त में लिया बल्कि उसका जुलूस निकाल कर सड़कों पर गिराया। पुलिस ने बाबा पर छेड़छाड़ और धमकाने की विभिन्न धाराओं में मामला